गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने जनरल मैथ के तुक्के जमशेद अकेडमी में। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 15, एक्सरसाइज 15.1। इसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, दिखाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड टू 400, मतलब 2400 परिवार को एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करती है फैमिलीज को, और उसकी हर टेबल उसने दे रखी है कि जिसकी तनख्वाह इतनी है 7,000 से कम, किसी जिसकी तनख्वाह 7,000 से 10,000 के बीच में है, और जिसकी 10,000 से 13,000 के बीच में है, जिसमें 13,000 से 16,000 के, उसकी 16,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे कुछ सपोज करा के कुछ फैमिली को चूज किया और उनकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करनी है। पहला अर्निंग आर एस 10,000 to 13,000, मतलब 10,000 से 13,000 रुपए कमाता है, और पर मंथ के ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स है उसके पास, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है। हिंदी में कहा कि मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। तो देखो इसमें तरीका क्या होगा, सबसे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसमें क्या लिखेंगे 2400, कितना लिखेंगे 2400, के टोटल कितने परिवार से हैं 2400 परिवार हैं। अच्छा अब आता है जो फर्स्ट पॉइंट में कहा इन्होंने कि 10,000 से आरएस 10,000 to 13,000 और कितने वाहन, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स कि केवल 2 वाहन, तो इसमें इवन मानेंगे हम इसे। देखो पूरा मैं पूरी लाइन ना लिख के आपको जो एग्जाम में लिखनी है, बच्चों ध्यान रखना इस बात का स्पेशली कि पूरी लाइन इंग्लिश मीडियम में आप पूरी लाइन लिखेंगे और उसके बाद इवन लिखेंगे, और जो हिंदी मीडियम है वो यहां से यहां तक पूरी लाइन लिखेंगे। यहां पर जो मैंने सिर्फ शॉर्ट में आपका लिख दिया है आरएस 10,000 to 13,000 एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स में, यहां पे आप शॉर्ट ना लिख के पूरी लॉन्ग ही लाइन आपको लिखनी है और इवन लिख देना है। अब इवन में अच्छा जैसे मैंने अभी शॉर्ट लिखे ना, मैं सारे सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में लिखने वाला हूं, आपको ये पूरी लाइन लिखकर तब इवन E2 मानना है और फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन को जैसे एज इट इज जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना है, मतलब यहाँ पे पूरी लाइन आ जाएगी इंग्लिश मीडियम में और यहाँ हिंदी मीडियम की ये पूरी लाइन आ जाएगी। यहाँ पे 10,000 से 13,000 अरे 10,000 to 13,000 और केवल दो वाहन, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, आप क्या करने वाले पूरी लाइन लिखने वाले हैं यहां पे। अब इवन हमारे पास कितना है, तो देखो 10,000 से 13,000 उसने बोला इस लाइन में, और कौन से एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, तो 29 कौन सा रहेगा, 29 लेंगे। अब फॉर्मूला पी इवन, इवन के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल अभिप्रयोगों की संख्या, मैं लिख देता हूं यहां पे एक बार, इवन के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल अभिप्रयोगों की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने 29 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 2400। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो क्योंकि 29 जो है 29 है ये एक अपरिमेय संख्या है, प्राइम नंबर है जो ये कटेगा नहीं, इसलिए इसको हमने एज इट इज छोड़ देंगे। सेकंड पॉइंट में क्या कहा है, सेकंड पॉइंट में कहा अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स, मतलब जो रुपये वो कमा रहा है मोर देन 60,000 और मोर, और सबसे बड़ी बात उसने क्या कहा एग्जैक्टली 1 व्हीकल,
एग्जैक्टली वन व्हीकल्स. एग्जैक्टली वन व्हीकल. अच्छा, उसके बाद हिंदी में क्या कहा इसके कि आय प्रतिमा आर एस 16,000 और या उससे ज्यादा, या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा. और सबसे बड़ी बात उसने यहां पे क्या बताई कि उसकी केवल एक वाहन है, एक वाहन, केवल एक वाहन. तो जो एक वाहन है तो हम विभिन्न समय क्या मानेंगे, E2. इस वाली लाइन के लिए क्या लेंगे, E2 की सेकंड पॉइंट है. अब चलते हैं, उसने कहा यहां पे 16,000 या उससे अधिक, 16,000 या उससे अधिक और केवल एक वाहन. तो कितने, 579, 579, 579 इसका ये है. अब इसमें देखते हैं मेन पॉइंट क्या है यहां पे, तो P करके फिर फॉर्मूला है P E2 करके. अब जहां पे E1 लिखा था हमने वहां पे क्या लिख देंगे, E2. आप फॉर्मूला लिख लेंगे यहां पे 579 ये लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 2400. तीन एकम तीन, दो बचेगा 27, तीन निम 27 और तीन तिया 9, तीन अट्ठे 2400. और कटेगा नहीं, इसको अपॉन 800 पे ही छोड़ देंगे क्योंकि दो से, क्योंकि जो नीचे वाली जो संख्या है वो दो से डिविजिबल होगी और ये ऊपर वाली संख्या दो से डिविजिबल नहीं है, ना 5 से डिविजिबल है ना 10 से ऊपर वाली, तो इसको एज इट इज यही छोड़ देंगे. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में था अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डोंट ओन एनी व्हीकल्स. तो थर्ड पॉइंट में जो इसने बताया कि 7,000 से लेस है, लेस देन आर एस 7,000 और 7,000 और ओन एंड एनी व्हीकल्स, मतलब इसने कहा उसके पास केवल थर्ड में के कोई वाहन नहीं, यहां पे उसके पास नो व्हीकल्स, नो 7,000 से कम कोई वाहन नहीं, कोई वाहन नहीं. तो ये पॉइंट होगा थर्ड E3. और इसमें देखें आप कि 7,000 से कम है और कोई वाहन नहीं है, कितना है 10. तो PE3 करके आप फॉर्मूला लिखेंगे और वही इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे जो पहले बताया था उसमें, और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे. अब इसमें देखना है क्या कि ये फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 10 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2400 परिवार है. कितने परिवार है, 2400, 0 से 0 कदम 1/240 आ जाएगा. फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में कहा कि अर्निंग आर एस 13,000 एंड 16,000 पर मंथ, मतलब अर्निंग जो है 13,000 से 16,000 पर मंथ है और मोर देन टू व्हीकल. जो टू व्हीकल से ज्यादा की बात की है यहां पे हिंदी में की आए 13,000 से 16,000 के अंतराल में है, 13,000 से 16,000 के बीच है और दो से अधिक वाहन है, दो से अधिक वाहन. तो इसे लिखेंगे हम E4. तो ऐसे कितने हैं यहां लिख लेते हैं इसे E4. तो अब देखिए यहां पे 13,000 से 16,000 तो ये हो गया, लेकिन उसने एक बात और यहां कह दी कि दो से अधिक वाहन, दो से अधिक वाले कितने हैं, 25 अबव टू, मतलब दो से अधिक वाले. तो इस वाली लाइन में कितना है, 25 PE4 करके फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे और 25 अपॉन 2400 2400 परिवार. पांच से भाग करते हैं, 5×5=25, 5×4=20, 5×8=40, 0 फिर 5 से 5 = 5, 5×9=45 और 3×5=30, 1/96, 1/96 PE4. इसमें हमारे चार पॉइंट हो गए. अब चलते हैं
कौन से फिफ्थ पॉइंट पे जो बहुत मेन और बहुत मुख्य और बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कृपया करें इस पे जरूर फोकस करें कि क्या इसमें खास है और किस तरीके इसको सोल्व करना है। चार तक तो मैं समझ में इजिली सोल्व आया था, लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और समझने वाला है। ध्यान से देखें, फिफ्थ फिफ्थ में कहा जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं। ओवरिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक से अधिक नहीं है, मतलब एक भी है और जीरो वाले भी, और उसमें कोई उसकी आय नहीं बताई है, उसकी उसको ये नहीं बताया कि वो अर्निंग कितनी कर रहा है, नहीं, उसने बस खाली ये कहा कि उसके पास एक से अधिक वाहन नहीं। तो हम टेबल में देखिए तो उसके पास एक वाहन है या एक से कम है, एक से अधिक वाहन नहीं है। तो देखो हम इस वाले को भी प्लस करेंगे और इस वाले को भी, यहां ई फाइव लिखेंगे, यहां ई फाइव, और इसमें क्या क्या होने वाला है, 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, सारे हमने डिजिट लिख ली। अब इनका टोटल देख लेते हैं, जो इनका है टोटल 5 5 10 सुनो, इनका बनेगा 2048, कितना होगा 2048, और इनका 10 और 4 14 40। तो अब देखिए टोटल इनका कितना हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 4 2 6 0 2062 2062, ये E5 है। PE5 करके फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे, और उसके बाद 2062 अपॉन 2400। अब इसको दो से डिवाइड करेंगे, दो एकम दो, डबल जीरो का जीरो, दो तीन छह, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, डबल जीरो, 1031 बट्टे में 1200, ये इसका आंसर होगा PE5। क्वेश्चन नंबर छह में क्या कहा, देखिए आप ये, अच्छा एक चीज मैं आपको और पहले बता दूं इस क्वेश्चन नंबर छह को लेकर, ये क्वेश्चन नंबर छह जो है आपकी बुक में देने रखा, ये मतलब चैप्टर नंबर 15 में नहीं, चैप्टर नंबर 14 में यहाँ लिखा है मैंने, अध्याय 14 की सारणी 14.7, जो टेबल टेबल के ऊपर नंबर लिखा होता है 14.7 है टेबल के नीचे, आप चैप्टर नंबर 14 में जाएंगे और उसमें देखेंगे ये टेबल पे 14.7 लिखा होगा, उस वाली टेबल में से ये टेबल बनाई गई है या क्वेश्चन वहां से लिया गया है। और जो ये नीचे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, या फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ये वाले, ये दोनों पॉइंट जो लिए गए हैं चैप्टर नंबर 15 में दे रखे हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए बच्चों से। तो चलो मैं क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं और फिर उसका क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फॉलोइंग टेबल शोज द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स 0 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 और उससे अधिक या 70 अबव, ये दे रखे है। तो कितने विद्यार्थी वहां देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स ऑब्टेंड लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, मींस हिंदी में 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 20% से कम, तो यहां पे मालूम होता है 0 से 20 वाले हैं, 0 से 20 मतलब इसे 20 इंक्लूड नहीं है, 20 जुड़ा हुआ नहीं है, 20 से ज्यादा यहां पे है, तो 20 से कम वाले 0 से 19 तक की हम बात करें तो 7 है, कितने हैं 7। अच्छा उससे पहले एक चीज और लिख लें, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 90, टोटल कितने हैं 90 हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा उसने कि 20% से कम अंक, 20% से कम अंक मार्क्स लेस देन 20%, तो कितना है
7, कितना है 7, पीई करके फॉर्मूला लिखेंगे जो बताया था, पीई इवन करके यहां पे, और ये इवन करके सिलेक्ट कर लेंगे इसे। अच्छा ये 7 आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा 90, 7/90 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या कहा उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, 60 या उससे अधिक अंक, 60 या उससे अधिक अंक, अधिक अंक E2 मोर देन 60 और अबव, कितने 60 और उससे ज्यादा, तो देखो यहां 60 इंक्लूड यहां से होता है, तो 60 और उससे ज्यादा 15 और 8 इन दोनों E2 15+8 कितना 23, तो फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे PE2 करके, यहां पे PE2 करके फॉर्मूला लिखा, और PE2 में फेवरेबल आउटकम्स कितने 23 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कुलई प्रयोग की संख्या कितनी 90, तो आंसर आएगा 23/90 23/90 क्या आंसर होगा 23/90। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।